एवरीवन, मैं फिर से आ गई रक्षाबंधन का नया ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर। चलो किसी से मिलवाती हूँ मैं आपको। हेलो, ये मिलिए मेरी ननद से। ये है मेरी ननद, मिलो सब लोग। आती नहीं है पर अब मैं बताऊंगी, अच्छे से इंट्रो दूंगी इनका। चेहरा गौर से देखो, बिल्ली जैसा लगता है। देखो आप लोग कहते ना, देखो इनको इनको गौर से देखो। आज भी पता है मैंने बहुत गालियां दी है फोन करके। क्या कह रही थी, बोलो 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 से क्या कह रही थी आज भी फोन करके कि है ना, मैं नहीं आऊँ तो चलेगा, भैया को भेज दो। फिर मैंने फोन पे डायलॉग सुनाए हैं भाभी वाले ही थे ना। तब फिर आधा घंटा तक तब हुआ है ना कि मेरी ननद सीधी मेरे घर। क्या है कि 2 साल से ये यहाँ पर आई नहीं है, 2 साल हो गए इनको मायके न आए हुए। मैंने कहा इस बार की भी राखी ऐसे छोड़ोगे तो नहीं चलेगा। लास्ट ईयर नहीं आई थी, भाई दूज पे नहीं आई थी, उससे पहले आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखा होगा ना तो उसमें ये है, मेरे पहले साल के राखी में भी है ना, भाई दूज में भी है। 2 साल से ये आई नहीं है, इसीलिए आप लोगों ने इनको देखा नहीं है। ये है मेरी छोटी ननद, छोटी है ना उससे, यानी मेरी छोटी सी ननद है ये। तो आप लोग आज मिल लो, काफी लोगों ने देखा नहीं है। और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं और एक कप का गया। ये देखो बेचारा भाई कितना गरीब होके बैठा है, दो बहनों ने लूट लिया है। बेचारे गरीब होके बैठ गए हैं वहाँ पे। तो मैंने सुबह से बिल्कुल भी व्लॉग है ना वो यानी स्टार्ट तो किया, लेकिन ना होता है ना फैमिली टाइम है आज मेरा, तो आज मैंने व्लॉग पे ध्यान ना देके पहले मैंने मेरी बड़ी ननद आई थी ना उनके साथ टाइम स्पेंड किया। अब ये आई हैं, चिल्ला चिल्ला के मैंने धमकी दे दे के बुलाई है, हम मुस्कुराओ नहीं तो। और अभी भी बताए भाभी जल्दी से राखी बंधवा लो, देर हो रही है, सिविन रो रहा है, ड्रामे शुरू है इनके। बोलो अब तुम बोलो कि मैं तुम्हारी वीडियो उतार लूंगी, पीछे से चुपके से। तो अभी हम लोग चाय वाय पी रहे हैं, उसके बाद फिर राखी बांधेंगे, क्योंकि खाना तो हम खा चुके हैं, शाम को आई है बताइए। हाँ मुस्कुराओ, इधर उधर देख देख के मुस्कुराओ। तो चलो हम लोग चाय पीते हैं, उसके बाद जब राखी बांधेंगे फिर आपसे मिलते हैं। ये वाले लगाने सामान, वो टूटे वाले हैं, आरुण रख लिए थे, आरुण रख लिए थे, मैंने कहा साझे वाले लगा तेरे तेरा जी। कंजूस भैया, उन चावलों को भी बना लो। की 2 साल बाद उतर रही है भैया ये भी। नहीं वही पुराना माल होता है, बड़ी बच्चे से यही कह रहे थे कला लेके आया करो, आया सामने मान दो। बड़े वाले हाँ, मैंने उस दिन देखा इतने छोटे बड़े, लेकिन जिम्मे तो राखी तो असली वही है, लगता है कि हाँ राखी है पूरा बदला, एक ही बहन पूरा रात मर्द है एक ही बहन। छोटे बड़े 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 नहीं इतनी करते, राखी तो प्यार की होती है भैया, कैसी धागा भी बांध दो बस प्यार होना चाहिए इस तरह। अब इसका प्यार कम पड़ता भैया, मेरा तो वही का वही है, 9 साल में बदला नहीं है। इनको 4 साल में लगा रही तो इतना काम आ गया। हां तो वही मैं, तुम तो आए नहीं, उधर जाके जाके धमकी दिया मैं। हां धमकी नहीं देते तो नहीं आते, ये बात तो तय है। तुम ही धमकी दो यार इसका। अरे ये बात, हेलो हां हां रुको बेटा। हां कैसा लग रहा है बताओ? बढ़िया लग रहा है। लगा कैसा? पक्का ले ले, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हाँ यार 35,000 से कम का नहीं मिलेगा, फिर टेबल भी है, मूड़ा भी है साथ में। हाँ ले ले, अच्छा है यार। हमने तो वो फ्री होके बात करती है ना, ठीक है चल। ना भाई बच्चन बच्चा है तो बच्चों को देना।
हाँ अब तो ये रखो कि आओ पहले, ये आने के मामले में कंजूस है। ले आओ मत दो मत तो। बच्चे ना भाभी, बच्चे भके होंगे, खेलने चले गए होंगे। बच्चों का बच्चों को तुझे क्या बनता देने का है? क्या हो गया? नहीं नहीं ना, पैर तो छुपा लो, हम पल्लू लेके खड़े हैं। बच्चे को पैसे? अच्छा राखी बांधने के पैसे दे रही है ना? सही बात है, तो चोरी तो कोई कैसे भी कर लेते क्यों बनते बच्चों को? नहीं बुआ है तो चॉकलेट ले आए कर ज्यादा बंधवा ले आ रही हूँ। अरे बोल रही थी बुआ कब राखी बांधेंगे, बंधवा ले वो रखी थी ना मंजे दीदी वाली, बांधेगी कौन? मान ली कब? मंजे दीदी राखी लेके आया कर, अभी तो रखी थी, पहले रखी देगी देखी, अभी तो रखी देगी मंजे कभी बांधने की बुआ जब जा, देखो बंधाने से मतलब है। अरे तू बड़ा हो गया, देखो इसको बड़ा शौक है राखी बंधाने का, इतने तो बेटे रिश्तेदारी भी नहीं है, तूने बांधी कहां से इतनी राखी? जो भी आ रहा उसी राखी बांध दो, मंजे से गौरी बंजी से उनके लड़कों ने उतार दी, मुझे बांध दो है? बहन बांधती है, बहन बंधवाती नहीं है। ऐसी नहीं, अभी से भाभी इकवाले से दोनों एक दूसरे की राखी बांध देते हैं, बंधन न टूटना चाहिए। थोड़े सारे ले जाओ, देख लो बगली चल रही है, वाह के आती नहीं है, पता है कहता है कि भाभी नंद को बुलाती नहीं है, मेरी ये नंद ना आती नहीं है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, दोनों नंदे मुझे तो अच्छी लगती हैं। और पता है इसके घर मैं नहीं जा पाती थी, पता है रीजन? बताओ ये बताएगी क्यों नहीं आती थी मैं, बता बता अपने मुझसे बता ना, मैं बस गाड़ी नहीं थी, बहुत दूर रहती है, फिरोजाबाद रहती है, तुम आ जाती हो पता है, फिरोजाबाद रहती है, मैं आरू को मोलू को पूरा लगेज लेके कैसे जाऊँ? अब मेरे पास गाड़ी आ गई ना, अब मैं कभी चांस मारूंगी गाड़ी नहीं थी, गाड़ी आऊंगी भैया से बोलो, भैया दस साल बोल के जाती है, मुझे दो दो पांच पांच रुपए में लगा रखा है यहाँ से वहाँ से, यहाँ बालों के लिए आना भाभी, सोच तो रही हूँ मैं इनसे, कब से कह रही हूँ चलो चलो। अच्छा इसमें वो भी करवाया है तुमने, हाईलाइट करवाया है? पहले खा था अभी, एक ही है ना? नहीं हाईलाइट, एक क्लेचर लगा लगा के लेकिन मुड़ गए हैं पता है, पीछे से बोला यहीं पे मुड़े हैं अभी, हाँ मुड़ गए हैं बाल, तो खुले पता है मैं करवाने की सोच रही हूँ, देखो मेरी ननद ने करवाए हैं, पर एक साल पहले करवाए हैं, अभी नहीं करवाए हैं, तो मैं दीदी से पूछ रही थी कि दीदी मुझे ये बताओ कि इनमें ना ऐसा तो नहीं है कि सारे बाल झड़ जाते हैं, लेकिन मेरी दीदी के बाल ना यहाँ थे, इस जगह पे थे, और अभी हाँ लेंथ भी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं, तो नजर ना लगे, आप लोग बताना मेरी नंद के बाल अच्छे लग रहे हैं ना, कितने क्यूट लग रहे हैं सच में, बहुत सुंदर, और सही में दीदी बढ़ गए हैं बाल तुम्हारे, बहुत बढ़ गए हैं, कटा दिए मैंने लंबी हैं सच में, अभी बहुत लेंथ से बहुत जल्दी बढ़ती है इसकी, बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैं करवाने वाली हूँ, या तो मैं आगरा करवाऊंगी या ननद के वहाँ जाके करवाऊंगी, बहुत अच्छे लग रहे हैं सच में। गौरी बहन जी आई थी तो मैं बातों में लग गई, मैं पता है आज वीडियो शूट करना ही भूल गई, लेकिन दीदी आई ना तो मैंने वापस से अपना कैमरा उठा लिया, इनको तो यादों में लेना है, फिर बताया करूंगी, इतने साल पहले आई थी, हाँ धमकी साल गिना गिना के रखा करूंगी, इतने साल पहले तुम आई थी, इतने साल से नहीं आई, अंधेरा हो चला अब तो, चल दी घर पे, यह अंधेरा हो गया है, भगवान जी है ना जाने में? नहीं तो आप मुझे वहाँ पर मेले में ले चलोगे? गई बुआ भाई तो कहते बुआ से नहीं कहेगी, लो सब गुस्सा है तुमसे भैया, आप आते नहीं यार साल को आया ना, हाँ मोलू नहीं पहचानता, वो तो पहचानती है, पता है कितना याद करती है वाले अपनी, वो बुआ के नहीं आती है बेटा, ये खाली ऐसी है दूर से लाड़ दिखाती है, क्लेचर ले लिया था के अंदर रखे आई ले लिया, मस्त लग रहे हैं बाल, चॉकलेट
देख लो ये है पैसा खर्चू लू, बच्चों को देखा नहीं कि 100-100 के नोट निकाले नहीं। भैया मत निकालो, पाप पड़ता है। आरु मुझे नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। मतलब बुआ तुम चॉकलेट ले आया करो, बिस्किट ले आया करो और आ जाया करो। हाँ। ले आना जीतू, जीतू कह रही हूँ, हेमंत बच्चन को तो ले आना। हाँ चलो बाय बाय। तो बस रक्षाबंधन का त्योहार खत्म, क्योंकि सब जा चुके मेहमान। गौरी दीदी तो शाम को चली गई, फिर अभी पूनम दीदी आई थी वो भी गई। और मैं अपनी ननद से ऐसे ही बात करती हूँ, क्योंकि हमेशा से मैंने ऐसे ही बात की है। पहले तो मैं उनको घर के नाम से बुलाती थी, पेट नेम से, लेकिन अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अब उनको उनके रियल नेम से बुलाती हूँ। तो वो भी जा चुकी है और अभी खाना बना रही हूँ, लौकी की सब्जी, क्योंकि सुबह का खाना पीना काफी रखा ही है। तो सोच रही थोड़ी सी एक सब्जी बना लूँ, पूड़िया वगैरह सब रखा है तो और कुछ नहीं बनाऊंगी। तो लौकी की सब्जी भी बना रही हूँ, लेकिन देखना कोई खाएगा नहीं, पर मैंने कहा चलो बना लूँ। और साड़ी मैंने उतार दी, क्योंकि भैया बहुत ना मुझे ना एक तो डर क्या लग रहा था कि उस साड़ी में ना दाग धब्बे ना लग जाए, उसका कपड़ा ऐसा है ना, अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ लग गया ना तो वो जल्दी साफ नहीं होगी। और मैंने इयररिंग भी उतार दी, देखो इसमें पता है क्या हो रहा था कि मैंने पहनी थी ना तो बहुत वजनदार है, उनमें भार ज्यादा है, तो मेरे ना इनमें दर्द होने लगा है, तो मैंने ये उतार दी। और है ना बस अब रिलैक्स करके बैठी हूँ, थोड़ी देर अब सर में तेल लगाऊंगी। और बस कहते ना आया आया त्योहार, और कितनी जल्दी चला जाता है पता ही नहीं पड़ता है। और है ना बस मैं सोच रही थी कि अब आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ, क्योंकि मैंने सुबह से आप लोगों से बातें नहीं की थी। कल मैंने जो ब्लॉग डाला उसमें भी मैंने आप लोगों से ज्यादा बातें नहीं की थी, क्योंकि घर में जब मेहमान आते हैं ना तो लेके फोन लेके हम है ना बात नहीं कर पाते ब्लॉग में। तो आरू देख दो बेटा कोई आया जा, तो एक तो कोई ना कोई पानी के दिन भी आता रहता, पता है आज त्योहार था और आज तो हम इतने परेशान हुए क्योंकि सबके घर मेहमान आए होंगे, तो इतना यहाँ भी देखना बाहर का भी देखना, भाग दौड़ करते करते ना मेरी हालत खराब हो चुकी है। सो अब बस चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी। और मैंने आज की एक दिन की दो वीडियो बनाई है, पहले गौरी दीदी आई थी उनकी, फिर पूनम दीदी का मुझे पता नहीं था, सुबह हमने फ़ोन किया ना तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी, फिर शाम को उनका फोन आया कि भैया तू आ जा, और हालांकि पता है वो कहीं और नहीं थी, गांव में ही थी हमारे। तो मैंने कहा कि दीदी ये कौन सी बात होती है कि तुम सब भाई के घर जा रहे हो और हमारे घर के लिए तुम कह रहे हो कि भैया तू आ जा। मैंने कहा नहीं आएंगे भैया, आप ही को आना पड़ेगा, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है ना वो बहन का होता है, और बहन अगर भाई के दरवाजे नहीं आ रही है तो बताओ भाई के घर की क्या शोभा। तो मैंने उनसे गुस्से से कह दिया कि नहीं आएंगे भैया, तुमको ही आना पड़ेगा। मैं कहा मेरे घर की दहलीज सुनी है, क्योंकि जब तक बहन नहीं तब तक ये त्योहार ही नहीं। गौरी दीदी आई तो चलो थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ त्योहार मनाया। अभी है ना ये पहले आती थी हर रक्षाबंधन हर भाई दूज पे आती थी, लेकिन 2 साल से ये नहीं आई। और इस साल यूँ कह रही थी क्योंकि हमारी चाची सास खत्म हुई ना, तो बोल रही थी कि मैं नहीं आऊंगी क्योंकि हमारी चाची सास की ही लड़की है ये। फिर मैंने डांटा ना तो उसके बाद आई है, तो फिर भी अच्छा लगा। और बच्चों को लेकर नहीं आई थी, लेकिन है ना बच्चे तो क्या है कि स्कूल पे आते जाते हैं ना तो जैसे मिल लेते हैं, इसलिए इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को त्यौहार पर लेकर नहीं आई वो। तो चलिए सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, और आप लोगों को मेरी ये ननद कैसी लगी कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोगों ने इनको पहली बार देखा होगा, किसी मेरे व्यूअर ने पहली बार देखा होगा। सो चलिए अब इस वीडियो को एंड कर देते हैं, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ थोड़ा। मेरे घर की हालत आपको दिखाऊंगी ना तो आप बोलोगे माय गॉड, क्योंकि रिश्तेदार घर में आते हैं, छोटे बच्चे घर में आते हैं तो घर फैल ही जाता है। तो अब पूरा घर समेटूंगी, शाम का खाना पीना कंप्लीट करूंगी, किचन क्लीन करूंगी, उसके बाद ना फिर आराम से सोऊंगी। और तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर देना, व्यूज़ तो चले ही गए, लाइक तो मत छोड़ो यार, तुम लोग तो लाइक भी नहीं देते हो, कौन सा पैसा लगता है लाइक में, केवल एक अंगूठा से ऐसे ही तो लगा देना है। तो वो पता है इसको लगाने में इंसान कतराता है, लेकिन डिसलाइक करने में इतनी फटाफट करता है ना कि कुछ कहना नहीं है। लेकिन मेरे जो कहते हैं ना प्यारे सब्सक्राइबर, जो मेरी जान है, वो तो बिना कहे मुझे ना क्या कहते हैं लाइक दे देते हैं।
पर कुछ कुछ होते हैं जिनको मुझे हिला हिला के जगाना पड़ता है कि याद कर लो, भूल गए आप वीडियो देखते देखते, सो प्लीज लाइक कर देना। और तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, अभी 8:30 का टाइम हो रहा है, सो बाय बाय, लव यू।